फ्रेंड गुड मॉर्निंग। वो बहुत सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस पाँव में दर्द है, बाकी सब ठीक है। और अभी मैं उठी हूँ और आज ये चले गए वापिस। अब आज से सारे काम खुद करने पड़ेंगे। पहले ये थे तो मेरी हेल्प कर देते थे, अब चले गए। उस रात को उन्होंने कपड़े धो दिए थे, बोल रही कपड़े कैसे धोएगी, मैं धो देता हूँ। कपड़े उन्होंने धो दिए थे और इवन सूख भी गए होंगे। देखिए मैं इनको ले जाऊँगी अंदर। बेडशीट डालने की जगह नहीं थी तो इन्होंने बेडशीट डाली नहीं थी, तो बेडशीट मुझे खुद डालनी पड़ेगी अभी। पहले मैं कपड़े अंदर रख लेती हूँ, फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाना, फिर मिलती हूँ आपसे। झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन साफ कर लिए, किचन साफ कर ली। उफ मेरी होगी बस एकदम, मैं थक गई कसम से। अब कपड़े बचे हैं, बाहर से लेके आई थी, बस इनको तय करना है और काम हो गया ख़त्म। और रात को आलू बनाए थे, सब्जी मैंने ज़्यादा बना ली थी ताकि मेरे को सुबह भी हो जाए। अब बस दो परांठे बनाऊँगी, डेढ़ सौ खाऊँगी, फिर क्लास भी जाना है। उफ और मेरे पाँव की दर्द जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है उसको। और डॉक्टर ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये ना डिस्क प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जब मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी ना तो उसकी पेन भी मुझे लेफ्ट लेग में ही जाते थे, तो अभी मुझे लेफ्ट लेग में ही पेन हो रहा है, बट कमर में नहीं हो रहा है। पहले कमर में भी होता था तो फिर मुझे लेफ्ट लेग में जाता था, पर अब पता नहीं क्या हो रहा है ना, घुटने से लेके नीचे पाँव में दर्द जा रही है और पाँव में स्वेलिंग हो रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले थे, थायराइड और पता नहीं क्या क्या बोला था, यूरिक एसिड बोल रहे थे कि यूरिक एसिड भी बढ़ जाए तब भी जॉइंट्स में पेन होता है, बट मुझे कभी हुआ नहीं, क्या पता हो भी सकता है। वो मैंने टेस्ट करवाया नहीं, टाइम नहीं मिला, कल हम लेट हो गए थे हॉस्पिटल से आते ही, तो देखते हैं आज शाम को करवाऊँगी। अब पता नहीं वो खाते होते हैं कि बिना खाए होते हैं, वो जाके पूछना पड़ेगा। एनीवे पहले मैं बना लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अब लगी है ज़ोरों से भूख। और टाइम पता है क्या हो गया, टाइम पता नहीं क्या हो गया, सुबह 11 हो गया, भूख नहीं लगनी और क्या होना है, सुबह 11:15 हो गया गाइस। चलो ठीक है, आज आज रिजल्ट है भाई, इलेक्शन का रिजल्ट है आज, तो पता नहीं कौन जीतेगा। मेरा वोट वेस्ट नहीं होना चाहिए, बाकी कोई चक्कर नहीं है, देखते हैं रिजल्ट आएगा। मैंने पता अभी तक खोल के भी नहीं देखा कि कौन किस कितनी सीटों पर है कितना नहीं, तो यार टेंशन हो जाती है, इतनी टेंशन में नहीं चलना होता। इससे अच्छा कि मस्त रहो, जब रिजल्ट आएगा पता लग ही जाएगा। ये देखो रात को मुंगनी ने बर्तन भी नहीं साफ किए थे, तो सारे बर्तन मुझे साफ करने पड़े अभी सुबह सुबह। कल की इतनी डस्ट थी, इतनी ज़्यादा डस्ट थी, मैं क्या बताऊँ, इतनी लिफाफे भर भर के मिट्टी निकली होगी अंदर से, इतनी गंदी डस्ट थी। और पता नहीं कहाँ से इतना गंद आया था, मैंने इनको बोला था खिड़कियाँ बंद करने की, खिड़कियाँ बंद की और अंदर थोड़ी मिट्टी मिट्टी हो गई। गाइस बन गया मेरा ब्रेकफास्ट, ये अचार जो मैंने कल डाला था तो मैंने सोचा उसको चेक करती हूँ कि हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए मैंने दो पीस लेके आई हूँ। खाने का मन कर रहा था अचार, तो मैं खा लेती हूँ खाना। और गाइस मैं हो गई हूँ रेडी क्लास में जाने के लिए, मैं सब निकल रही हूँ। 12:25 हो गए, 12:30 बजे क्लास आती है, तो मिलते हैं आपको क्लास में जाए। हमारा मेकअप कर रहे हैं आरती जी हमारा, और क्या ही मेकअप किया है, ओहो काम पर फोकस है पूरा इनका, आज पूरा काम पर फोकस है इनका, काम पर फोकस होना ही चाहिए, जैसे हमारा नहीं है अभी काम पर फोकस कोई भी। खुद की वजह से ये खुद ही मारते हैं। यह आरती जी की मॉडल है जो मेकअप करवा रहे हैं आज, तो मॉडल सोच रही है कहाँ पर बैठ गई हूँ मैं, किससे किसके आगे बैठ गई हूँ मैं,
क्योंकि किसे मेकअप करवा रहे हैं, आप ही किसे मेकअप करवा रहे हैं। तो अभी हमारी मॉडल थोड़े तक तक कर रही है थोड़ा, तो आरती जी ने मेकअप कर दिया डन, तो ठीक है, काफी स्मूथ मेकअप किया है, मतलब ठीक है, आई मेकअप भी ठीक है इनका। मोटरों कितने गंदे ब्रश यूज किया, कितने गंदे देख सकते हो, ये चीजें दिखाई नहीं जाती। हाँ हाँ, तो अभी कितने गंदे गाइस, तो क्या मेकअप करेंगे जी, देखो अभी ये मेरा कितना गंदा ब्रश है ये, इस्तेमाल किया आज इस पर बाजारी पर, तभी इतना क्लीन मेकअप आया है। ब्रश मैटर नहीं करते ग्राई, क्या मैटर करते हैं, हाथ मैटर करते हैं, हाथों के साथ करते हैं हम मेकअप, कोई ब्रश से इस्तेमाल नहीं करते हैं, फाउंडेशन सीधी ऐसे टप करके कर लेती, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका क्या कहना, एक वो लगा मेकअप करने में देख सकते हो गाई, रूम लेकर लगा साफ करने को आई मेकअप को। हाँ जी हाँ जी, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं कैसा दिख रहा हूँ यहाँ पर, तो कमेंट करके बता सकते हो आप, है ना गाइस, ये बोलते हैं मेरे लिए आप कमेंट नहीं कर सकते हो, तो आपको इनको बताओ आप मेरे लिए भी कमेंट कर सकते हो, तो अपने भाई को कमेंट करो। गाइस मैं आ गया घर वापस, और सच बताऊँ तो मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कसम से बहुत ही अजीब सा गंदा सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या, मंगनी भी तो नहीं है, कहीं मैं मर नहीं जाऊँ, ऐसे मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, पता नहीं क्या 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 हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही है, एक तो पाँव में दर्द अलग से हो रही है, कमर दर्द अलग से हो रही है, सिर दर्द अलग से हो रही है, पता नहीं क्या 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 हो रहा है, लगी है भूख, कुछ किया मैंने ऑर्डर खाने के लिए, पता नहीं कब आता, तो अभी कपड़े लेके मतलब तो सुबह के पड़े थे, बेडशीट लेके आई अभी, तो अभी ये कपड़े तय करने हैं, तय करके रखने हैं, मतलब मन करे उनको साइड पर फेंक दूँ, फिर सोते हूँ थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठूँगी, फिर सोचती हूँ क्या करना आगे। तो गाइस फिर मैंने किया था ऑर्डर, मुझे लगी थी भूख, और ऑर्डर किया मैंने फ्राइड राइस, जो कि मुझे अभी भी हो जाएंगे और शाम को भी हो जाएंगे, इसलिए मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर कर लिया, थोड़े से भी खा लूँगी जितनी भूख है, बाकी खाऊँगी रात को, अभी खा लेती हूँ मैं खाना, मतलब मुझे ज़ोर से भूख, क्योंकि मेरे को ना मेडिसिन खानी है, इसलिए मैं लेट खाना खा रही हूँ, अभी टाइम बहुत हो गया, टाइम हो गया 6:30 हो गया, 6:24 हो गया, क्योंकि मेरे को पेन के लिए मेडिसिन खानी है, मेरे को बहुत पेन हो रही है पाँव में, क्योंकि आज सुबह से खड़ी थी मैं, इसलिए अभी खा लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। मतलब सोई भी नहीं थी, बस लेटी थी और कुछ किया नहीं, और लेटी थी बस, टाइम वेस्ट कर दिया लेट लेट के, तो अब मैं सोच रही हूँ फूड खाती हूँ, थोड़ा ठीक कर दिया, वो खाती हूँ खाती हूँ बाहर काट के थोड़ी फ्रेश एयर ले, फ्रेश एयर लूँ, फिर मैं मरने वाली भी हूँ आज, मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है, कुछ कर दी थी, चलो अभी याद रखो मरते मरते मेरा मुँह, ठीक है, इस पर पहले फ्रूट काट लेती हूँ, आपको बाहर तो गाइस फ्रूट मैंने काट लिया, वाटरमेलन मस्कमेलन और मैंगो, मैंगो मेरा फेवरेट आजकल, और वैसे फ्रूट मेरे को सभी अच्छे लगते हैं,
और बस अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि बाहर थोड़ी देर हवा चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ बाहर बैठ के ही खाती हूँ। और गए थोड़ी देर के लिए मैं गई थी बाहर, और अब मुझे मन कर रहा है कि मैं सो ही जाऊँ बस, क्योंकि टाइम वैसे भी 8:30 हो गया और कल मेरी क्लास भी 10 बजे, 10:30 बजे मतलब, कल भी मुझे थोड़ा जल्दी उठना है। पहले मैंने सोचा था कि मैं आराम से उठूँगी, लेट उठूँगी, बट कल मेरी क्लास थोड़ी जल्दी है तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी भी क्या उठना है, 9:30 बजे उठूँगी तो तब भी चल जाएगा। तो इसी के साथ अपना आज का ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। मेरा ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब शुरू करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।